नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 4 का लेसन 1 ले रहे हैं। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 8347। 8347 का हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि जो अंक है, जैसे ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, एट को यहाँ नोट करने के बाद जितना भी अंक है उतना शून्य अंकित कर देंगे। 8000, 8 का प्लेस वैल्यू 8000 होगा। उसके बाद 3 का लेते हैं, 3 को यहाँ अंकित करेंगे, उसके बाद 3 के बाद जितना भी अंक है उतना शून्य अंकित हो जाएगा, 300। 3 का प्लेस वैल्यू 300 हो गया। तो 4 का लेते हैं, 4 के बाद सिर्फ एक अंक है तो 4 का प्लेस वैल्यू 40 हो गया, और 7 का सिर्फ 7 हो गया। इस प्रकार से देखा आपने कि प्लेस वैल्यू कितनी आसानी से निकल जाता है। जो भी अंक है उसे नोट करने के बाद उसके बाद जितना भी अंक है उतना शून्य अंकित करने के बाद वो उसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकल जाता है। अब हम फेस वैल्यू निकालेंगे, तो फेस वैल्यू किसी भी अंक का वही होता है बिल्कुल। 8 का फेस वैल्यू 8 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, और 7 का 7 होगा। फेस वैल्यू बदलता नहीं है, जो भी अंक रहता है वही होता है उसका फेस वैल्यू। तो इस प्रकार आपने देखा फ्रेंड्स कि कितनी आसानी से हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसके बाद फेस वैल्यू भी निकल जाता है, जो काफी आसान है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।